Hello and welcome to another session of CRM uses, right? तो ये session में हम बात करने वाले हैं use of context. Context को कैसे utilize करना है और context का क्या importance है CRM के लिए, right? Generally काफ़ी सारे जो भी हमारे clients हैं उसमें से मैंने देखा है कि context और CRM में confuse हो रहे हैं, right? Customers मतलब कि context कब use करना है and CRM कब use करना है, तो उसके लिए ये video है, आप देख सकते हैं. मैं चला जाता हूँ कॉन्टैक्ट के अंदर. तो कॉन्टैक्ट जनरली ये है कि हमारे पास जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, राइट, या फिर आपके सेल्स स्टाफ है या फिर आपके बिजनेस के हेल्पिंग हैंड्स है, तो वो सबको आप कॉन्टैक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं. बेसिकली अगर हम बोलने के लिए जाए तो हमारे पास जैसे मोबाइल के अंदर फ़ोन बुक रहता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट रहता है, राइट, तो वहाँ पर सभी के नंबर्स अवेलेबल रहते हैं. फ्रेंड सर्कल है, ऑफिस में कलीग्स के हैं, आपके जो भी नेबर्स है उसके हैं, रिलेटिव्स है, राइट. और कभी कभार हम यूज़ करते हैं जो भी सर्विसेज का, तो प्लम्बर है वो सबके भी, राइट. तो यही हिसाब से आपके बिजनेस रिलेटेड जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपको कभी भी यूज़ हो रहे हैं, कस्टमर्स वेंडर्स वगैरह, राइट, तो वो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट्स को आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं थ्रू एक्सेल, उसके लिए हमारे पास अलग वीडियो है, वो आप चेक कर सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, राइट. यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं कि आपको नया जो भी कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. उसके लिए एग्जांपल के लिए मैं एक कॉन्टैक्ट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, अजूर इंटीरियर, राइट. ये कॉन्टैक्ट सबसे पहले इंडिविजुअल है या फिर कंपनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं. लेट से अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के हिसाब से यहाँ पर नीचे में पैरामीटर्स आ जाएंगे, और इंडिविजुअल पर्सन है जो कोई एक फॉर्म नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन है तो उसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट. कंपनी के लिए जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो उसका कंपनी का नाम है, उसका एड्रेस है, उसका सिटी, स्टेट, उसका जिप, ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, उसका जीएसटी नंबर, पान नंबर, राइट. और अगर मान लीजिए आप कस्टमर्स को पर्टिकुलरली कोई कस्टमर कोड के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं तो वो कस्टमर कोड भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, राइट. देन उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है कॉन्टेक्ट करने के लिए, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल्स एंड टैक्स. तो टैक्स को टैक्स आप यूज़ कर सकते हैं कस्टमर्स को या फिर जो भी कॉन्टैक्ट है उसको क्लासिफिकेशन के लिए. लाइक मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कोई आपके वेंडर्स भी यहाँ पे आपने डाले हुए हैं, कोई आपके कस्टमर्स भी डाले हुए हैं, कोई अलग अलग दूसरी कैटेगरी के बिजनेस हेल्पिंग हैंड्स भी डाले हुए हैं, तो उसका आप टैग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स से ये मेरा एम्प्लॉई है, अगर तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉई करके एक टैग बना सकता हूँ, ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं चूज़ कर सकता हूँ. अगर नहीं है तो मैं यहाँ से क्रिएट भी कर सकता हूँ, राइट. तो ये मैंने अप्लाई कर दिया. इन शॉर्ट एक ही जो भी आपका कॉन्टैक्ट है उसके अंदर मल्टीपल आप टैक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट. और अगर ये कंपनी है तो कंपनी के अंदर में काफ़ी सारे अलग अलग कॉन्टैक्ट पर्सन भी रहेंगे जो आपके साथ टच में रहते हैं, राइट. जैसे कि यहाँ पर ये क्रिएटिव डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है, ये बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, राइट. तो ये हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अगर आपको कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे ऐड करके आप चूज़ कर सकते हैं ये कॉन्टैक्ट है या फिर इनवॉइस एड्रेस है कंपनी का या फिर डिलीवरी एड्रेस, अलग अलग मान लीजिए दो तीन लोकेशन है तो सभी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. ये आप यूज़ कर सकते हैं जब कभी भी आप सेल्स CRM यूज़ करते हैं, सेल्स CRM पैकेज जिसके अंदर में आप कोटेशन भी सॉफ्टवेयर के अंदर से बनाते हैं, वो टाइम पे कोटेशन बनाते के टाइम पे आप चूज़ कर सकते हैं ये कोटेशन के लिए इनवॉइस एड्रेस ये रहेगा, डिलीवरी एड्रेस ये रहेगा, राइट. बाकी आपको अगर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ओके. तो ये जनरली बात हो गई कॉन्टैक्ट्स की. ये कॉन्टैक्ट आपको CRM में कैसे अभी यूजफुल करना है वो देख लेते हैं. मैं एक स्टेप बैक आ जाता हूँ और CRM में आ जाता हूँ. CRM में जब कभी भी मैं लीड को क्रिएट कर रहा हूँ मैन्युअली, राइट, यहाँ से मैंने क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मैं नाम दे सकता हूँ कि कौन से पर्सन की लीड है, राइट. तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि लेट से राज की इंक्वायरी है, ठीक है. राज कौन सी कंपनी से बिलोंग करता है, आपको कंपनी का नाम डालना है आइडेंटिफिकेशन के लिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट. अदरवाइज अभी मान लीजिए कि राज की ऑलरेडी मेरे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है, राइट. तो यहाँ से मैं जा कर के उसकी कंपनी का नाम जो भी है वो सिलेक्ट कर लूँगा. जैसे कि अजूर इंटीरियर जो कंपनी थी वही उसके अंदर ही राज काम करता है, मैं यहाँ पे कंपनी का नाम सिलेक्ट कर लूँगा, राइट. और यहाँ पे एडिट करने के लिए बटन है वो मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि राज की सभी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर फिल हो गई है, राइट.
तो ये यूज एग्जैक्टली है कस्टमर का कॉन्टेक्ट का। यहाँ पे देखिए कस्टमर के सामने वो नाम भी आ गया उसकी कंपनी का, एंड उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो दोनों यहाँ पे आ गया। फर्दर फॉलोअप के अंदर उसकी कंपनी का नाम, ये सब डिटेल्स भी यहाँ पे आ गई है, राइट। अभी मुझे जस्ट उसका सोर्स सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से सोर्स से दिस टाइम इंक्वायरी आई है, लेट से वेबसाइट से आई है, इंडियामार्ट से आई है, फिर डायरेक्ट कॉल आया है, राइट। तो ये यूज है कॉन्टेक्स्ट का, ताकि आपको सेम डिटेल, सेम कस्टमर की जब इंक्वायरी रिपीट होती है तो सेम उसकी जो भी डिटेल्स रहेगी वो आपको फर्दर ऐड ना करनी पड़े, फिर से ऐड ना करनी पड़े, राइट। अभी ये टाइम पे उसने कॉल करके बोला है कि मुझे लैपटॉप के लिए रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे मैं लैपटॉप सिलेक्ट कर लूँगा, राइट। और या फिर आप टैग के प्रोडक्ट के अंदर लैपटॉप के वर्जन भी डाल सकते हैं कि उसको i5 वाला चाहिए, लेनोवो वाला चाहिए, राइट। तो वो हिसाब से ये टाइम के लिए जो भी उसकी इंक्वायरीज है वो आप ऐसे ही कॉन्टेक्ट को यूज़ करके कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।